हेलो दोस्तों, आज हम आपको लहंगे का ब्लाउज दिखाएंगे कटिंग। ये है लहंगा का ब्लाउज है। इसे ऐसे चौपड़ के रख लेंगे। दोनों काटेंगे। हमारी नाप 11 इंच की है। लंबाई हमारी फिटिंग 13 इंच की है, इसीलिए हम 15 इंच पर रखेंगे। इसके बाद निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर गला रखेंगे। साढ़े 3 इंच पर कंधी रखेंगे। छह इंच पर बाहें रखेंगे। डेढ़ इंच की गोलाई लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कर देंगे। ऐसे ऐसे नेट ऐसे पूरा नाप लेंगे और ये सब पूरा कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। ये है आगे का पार्ट। अब इसको ऐसे पूरा मशीन से सेट कर देंगे। नहीं मशीन पैर वाली है तो हाथों से पूरा ये सेट कर देंगे। पीछे का पार्ट कट गया। ये है पीछे का पार्ट कट गया है पूरा। अब इसको भी पूरा मशीन से या हाथ से सेट कर लेंगे। कभी हाथ से भी अस्तर बैठाना सिखा देंगे, अगले वीडियो में डाल देंगे। बाहों की कटिंग बताएंगे। हमको 9 इंच की बाहें चाहिए, इसीलिए हमने 10 इंच पे कटिंग करना है। 11 इंच से ब्लाउज कटा था, इसीलिए हमको 10 इंच का हाला चाहिए। स
सात इंच का फिटिंग। इसको चार पर्द में रख लिए। ऐसे कट कर लेनी है। ये हमने लहंगा का ब्लाउज काट लिया है, बाहें भी काट ली हैं, पीछे आगे के दोनों पार्ट भी काट लिए हैं। निशान लगाना हम बता दें, आप लेना है जितना लंबा ब्लाउज पहनना है उतना निशान लगा लेना है। 11 इंच से हमारा गला रहेगा। आधे इंच की गुलाई ले लेंगे। ये है आधे इंच इसकी गुलाई ले लेंगे। जैसे सारे ब्लाउजों में प्लेटें 5 इंच पर पड़ती हैं, वैसे ही इस पर भी 5.5 इंच की प्लेटें पड़ेंगी। बस नेट के बस ही प्लेटें पड़ जाएंगी। आगे वाले पार्ट का 1.5 इंच छाट दिया जाएगा। इधर बाहू की तरफ 2.5 इंच पर गला लेके 6.5 इंच पर आगे का गला लेके 1.5 गला ऐसे काट दिया जाएगा। ये लहंगा का ब्लाउज है तो इसमें प्लेटें दूसरी तरीके से पड़ेंगी। ये छट जाएगा, इसकी प्लेट ये प्लेट सीधा इस पर जुड़ जाएगी और सीधा नीचे जुड़ जाएगी और इसको कटिंग कर दिया जाएगा और फिर जोड़ दिया जाएगा। यही दो प्लेटें बस पड़ेंगी लहंगा वाले ब्लाउज में दोनों तरफ। और अगले वीडियो में दिखाएंगे। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट